हुआ कर्म, हम क्यों भुगतेंगे? तू मार रहा है तो तू ही भुगतेगा ना, जो तेरा पाप है। हमारा क्या लिंक है तेरे बाप से? सेम बात उसकी वाइफ बोलती है, सेम बात उसका बाप बोलता है, सारे उसको एक बात बोलते हैं कि जो तूने कर्म किया है वो केवल तू भुगतेगा, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तुझे नहीं कहा किसी को मारने के लिए, तू अपनी मर्जी से कर रहा है। ये बात जैसे ही रत्ना सुनता है, उसके हाथ से जो दराती होती है वो छूट जाती है, जंगल में निकल जाता है। उसके बाद में उसे वहां पे नारद जी मिलते हैं, वो बोलते हैं कि तू राम नाम का जाप कर और अपना तपस्या वगैरह कर। उसके बाद में वो कई साल तपस्या करता है। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उसको वरदान देते हैं कि तू रामायण वगैरह लिखेगा, तेरे में ऐसी शक्तियां आ जाएगी, गुण आ जाएगी। तो बोलते हैं कि मैं आज से रत्ना नहीं हूँ, मेरा नाम है वाल्मीकि। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वो साधु बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, उनका एक नया जन्म हो गया था। तो ये चीज है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब तक हमने जो चीजें करी हैं उससे ही हमारी रियलिटी, उससे ही हमारी डेस्टिनी बन चुकी। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग जो है वो 30 से 40, मतलब जितने भी हैं 40 के आसपास के लोग हैं, उससे नीचे ही हैं, 30 से तो नीचे ही पाएंगे। तो जिस चीज को हम एज ए रियलिटी मान चुके हैं, क्या हो वो एक्चुअल में रियलिटी ही ना हो, वो केवल एक काल्पनिक कहानी हो जो हमने अपने माँ बाप से, हमने लोगों ने सुनी है और उस पर हम यकीन मान के बैठ चुके, उसको ही अपनी रियलिटी मान चुके हैं। एक जो कुएं का मेंढक होता है, उसको तो कुआ ही अपना घर लगता है ना, उससे क्या पता कुएं के अलावा समुंदर भी होता है। जिस चीज को मैं अपन रियलिटी मान चुके हैं ना, वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। इस दुनिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत तरीके हैं हर चीज को कमाने के, लेकिन सबसे बेटर तरीका मैं क्या बोलता हूँ, अपने आप को बेटर करना है ना, उसके केवल दो ही क्राइटेरिया होते हैं, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली तो देखो आप बढ़िया वर्कआउट करके, बढ़िया बॉडी पे कसरत करके, बढ़िया काम करके आपको हेल्दी बना लोगे, अच्छा खाना खाओगे, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। मेंटली कैसे बढ़िया बनोगे? मेंटली अच्छा बनने के दो ही रास्ते हैं, एक तो है अच्छी किताब पढ़ना, दूसरा है अपना समय आइसोलेशन में बिताना। आइसोलेशन में बिताने को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे संत सन्यासी ज्ञानी योगी महायोगी जो भी हुए हैं ना, वो हमेशा हिमालय की तरफ क्यों जाते थे एकांत में तपस्या करने के लिए? क्योंकि तपस्या केवल एकांत में ही होती है, सबके साथ में बैठ के समाज में रह के ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। घर में हो तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, लाइब्रेरी आपको सपोर्ट नहीं करती, कहीं भी जाओ, लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, वो हमेशा एकांत में होती है। एकांत की तलाश करनी पड़ेगी आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। अगर कोचिंग में जा रहे हो, तो कोचिंग में था ना एक सैफीन नाम का एक लड़का था जिसका यूपीएससी में सेशन हुआ था, वो क्या बोलता था, बोला जब कोचिंग हमारी स्टार्ट होती थी, सुबह 9 बजे का टाइम था, सबको फ्रंट बेंच में बैठने का शौक था, सारे 7 बजे आके लाइन लगा लेते थे या बैठ जाते थे, तो मैं क्या करता था, यारी दोस्ती करने के बजाय मैं करंट अफेयर रिवाइज करता था कान में ईयरफोन लगा के। पूरा साल बीत गया, मेरा सारा करंट अफेयर कम से कम 5-6 बार रिवाइज हो गया। अब यही सेम सेंटर है जहां लोग आज की लोगों ने करी होगी, जहां लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे तू कहां से है, तूने क्या किया, ग्रेजुएशन में तेरे का सब्जेक्ट क्या था, और यहां वही बंदा है सैफीन नाम का जो पूरे करंट अफेयर को 5 से 6 बार रिवाइज करके निकल गया। क्योंकि उसने, उसके दिमाग में ना एक चीज क्लियर थी कि मुझे यूपीएससी देना है और मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं यारी दोस्ती करने के लिए, आशिकी करने के लिए मैं नहीं आया। कनिष्क कटारिया नाम का बंदा है, सेम अप्लाई ऑन हिम, वो क्लास में आता था ईयरफोन लगा के आता था, जाता था ईयरफोन लगा के जाता था। ऐसा वो क्यों करता था? ऐसा वो इसलिए करता था ताकि उसका जो माइंडसेट है वो पोल्यूट ना हो। दोस्त बनाओगे, टपरियों पे बैठ के चाय पियोगे, कहीं ना कहीं देखो माइंडसेट पोल्यूट होता है, और जो अभिलाष है जो एस्पिरेंट के अंदर, उसका सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ही ये था कि उस बंदे ने जिसको जहां लगा कि धैर्य ठीक नहीं है या फिर जिसके दोस्त हैं वो ठीक नहीं है, उनसे हटके उसने अलग रूम लिया, अलग तरीके से तैयारी करी, अलग वो माहौल में गया, अलग उसको रिजल्ट मिले। जिंदगी में अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, तो भाई माहौल चेंज करने की बारी है। तुम्हारे यार दोस्त, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा एरिया जहां तुम बैठ रहे हो, तुम्हारे लोग जिनसे बातें कर रहे हो, उनको तुरंत बदल दो एज सून एज पॉसिबल।
सेम बार बार चीजें करोगे उसका सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर जो अभिलाष था, अगर वो गुरी को एसके को ना छोड़ता, डिफरेंट रूम ना लेता, डिफरेंट एरिया में जाके कोचिंग ना करता, तो उसको डिफरेंट रिजल्ट ना मिलते। सेम रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसका कारण ये है कि जो इनपुट आ रहा है वो गलत आ रहा है। इस इनपुट को चेंज करना है तो सारा फोकस अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। दूसरों के माइंडसेट से इम्पैक्ट अपने अंदर लेके आओगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे घर वाले क्या, मेरे सारे मेरे को बोलते थे, लिटरली मेरी मेज वगैरह जो है ना, तो वहां पे 11 12th की साइकोलॉजी किताब पढ़ी है, और साथ में मेरे रूम में काफी बुक्स पढ़ी है। अभी रिसेंटली मैं आर्नोल्ड की बायोग्राफी है टोटल रिकॉल पढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरे रूम में बुक्स वगैरह होती है। तो जो आता है वो पूछता है कि यार ये थोड़ी SSC में आता है, ये थोड़ी इसमें आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो दे हैव लिमिटेड माइंडसेट। उन्हें क्या पता कि जिंदगी का नाम, जिंदगी अलग होती है, पर्सनल जोन अलग है, प्रोफेशनल अलग है, अलग है। मेरे को शौक है, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट साइकोलॉजी एंड दिस थिंग्स, तो मुझे पढ़ना इस पर अच्छा लगता है। अब रिसेंटली मैंने कोर्स परचेज किया, तो मैं अपना पढ़ रहा था बैठ के इस पे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे, फर्दर एक मतलब स्कॉटलैंड का टीचर है तो उससे मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसी क्लास वगैरह लेता हूँ बैठ के मैं तो मेरा दोस्त एक बार मेरे घर आता है, दो दिन पहले की बात है, तो बड़ा हैरान हो जाता है वो, बोला ये क्या कर रहे थे भाई, तो मैं भाई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बोला ये कौन आवे एग्जाम में, मैथ आओगा, मैथ कर ले तो क्लियर हो जाओगा। हरियाणवी में बोला वो कि मैथ आएगा ये सब नहीं आएगा, तो मैं नहीं आएगा नहीं आने, तेरे कैसी दर्दी है, तू क्यों इतना लोड ले रहा है, मैं कर रहा हूँ तेरे क्या दर्द हो रहा है भाई। बोला नहीं नहीं ये सब ऐसे ही है, यहाँ तू टाइम वेस्ट कर देता है, ये सब तेरे को नहीं करना चाहिए। तो मैं तेरे से तो मैं ही नहीं पूछा ना इस बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं पैशनेट हूँ इस चीज को लेके, मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। जब तुम फिल्म देख रहे हो, जब तुम वेब सीरीज देख रहे हो, उस टाइम तो दोस्त जो है वो अपोज नहीं कर रहा कि वेब सीरीज तो नहीं आएगी पेपर में, उस समय तो वो खुद भेज रहा है कि भाई बता कौन सी चाहिए, 720, 1080 या 4K। लेकिन जब वो तुम्हें NLP के बारे में पढ़ता हुआ देख रहा है तो उसको अंदर से दर्द हो रहा है, तो वो कह रहा है कि एग्जाम में नहीं आएगी, ये ह्यूमन नेचर है। बेशक उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं तो समझ गया था ना ये बात, तो मैं बोला ठीक है भाई कोई नहीं बंद कर देते हैं। तो अपने आप को मैं ये चीज बताता हूं कि खुद को ना जितना हो सकता है दूसरों से बचा के रखना है। खुद को दूसरों के अगर सामने एक्सपोज करोगे ना, आज नहीं तो कल पतन होना निश्चित है। अब वो जो अपने ग्रुप में लड़की थी, उसकी बुआ की बेटी का बर्थडे था, तो उसकी बुआ ने बुलाया भी आ जा बर्थडे पे। तो लड़की के पास में दो रीजन थे, एक रीजन था जो रियल था, वो पढ़ाई कर रही थी, वो तो नहीं कौन सी मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रही थी क्या कर रही थी, और एक और रीजन था जो कि फेक था कि मेरे पीरियड्स आ गए या बीमार होगी मैं कुछ भी संभव। बट उसने क्या किया, वो लड़की ने दूसरे वाला ना देके जेन्युइन रीजन दे दिया कि मैं पढ़ाई कर रही थी। तो इस बात पे बुआ बोलती है कि तुम्हें हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं है, अरे इतना पढ़ के क्या तू IAS लगेगी, एक दिन में आने से क्या तेरी नौकरी छूट जाएगी क्या, आ जाती क्या हो जाता। इस बात के ऊपर उसकी बुआ ने उसकी माँ को सुना दिया। अब उसकी माँ उस लड़की को बोल रही है तेरे को समाज के साथ चलना नहीं आता, तूने हमारी पूरे खानदान में नाक कटवा दी, पूरे समाज में तेरे बारे में बात उठती है कि तू सुबह निकलती है शाम को घर में आई घुसती है, अब मुझे क्या पता तू लाइब्रेरी जाती है कहीं और जाती है। सारा कहां से स्टार्ट हुआ, उसने ये बोला कि मैं पढ़ाई कर रही थी। अरे यार क्यों किसी को बोलना है कि पढ़ाई कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ जिंदगी में ये गोल है, मैं तो किसी को नहीं बोलता, कोई मुझसे पूछता है क्या कर रहा है, मैं तो कभी नहीं बोलता किसी को कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या मेरा कोई लाइफ में बड़ा गोल है। कोई पूछता है क्या कर रहा है, मैं तांत्रिक बनने की तैयारी है भाई, बस सोच रहा हूँ किस दिन आसाम जाऊंगा, तंत्र साधना के बारे में सीखना है मेरे को, ऊट पटांग जवाब देता हूँ मैं लोगों को। सामने वाला इंसान देखो पूछेगा तुमसे, उसको तुम्हारा उसको खुद की जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में इंटरेस्ट है, उसको ऊट पटांग जवाब दो। सबको सब कुछ बताना जरूरी तो नहीं है ना। तुम्हारे सामने जो इंसान आ रहे हैं या तुम्हारा किसी के साथ में रिलेशनशिप हो रहा है, मान लो लड़के का लड़की के साथ में या लड़की का लड़के के साथ में, उसको अपनी जिंदगी की रामायण क्यों सुना रहे हो। तुम्हें लग रहा है वो सामने वाला इंसान तुम्हारा है, बट वो एक्चुअल में है तो सामने कोई और ना। उसको जैसे ही तुम अपनी जिंदगी की रामायण कहानी
सुनानी स्टार्ट करोगे वैसे ही उसके माइंड में थिंकिंग चेंज होनी शुरू हो जाएगी। कोई इंसान क्यों बर्दाश्त करेगा भाई कि मेरी गर्लफ्रेंड का या मेरे बॉयफ्रेंड का पहले पास्ट रह चुका है या पहले किसी के साथ वो सो चुका है, कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि मैं तो भाई कितना ज्यादा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हूँ, सामने वाले को बताऊंगा तो उसको मुझ पर प्राउड फील होगा, देख मेरी गर्लफ्रेंड कितनी लॉयल है, मुझसे एक बार ना छुपा रही। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सामने वाला जो इंसान है तुम्हारी बातों को सुन के डिस्गस्ट हो जाएगा और वो आना जानी तुमसे करेगा और कल आज या कल में तुम्हें डिच करके निकल जाएगा ये बात बोल के कि यार यू डिजर्व समवन बेटर। जो अपनी हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, बहुत बड़ी पर्सनल लाइफ होती है, बहुत उसमें इंसिडेंट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सारी बात हर सब जो बातें होती है ना सारी सबको बतानी नहीं पड़ती। बेशक तुम्हारे माँ बाप हैं, बेशक कोई भी तुम्हारा मित्र सगा संबंधी है, उसको अपने पास्ट के बारे में हर कुछ बात बता देना, उससे बेसिकली क्या हो रहा है, उससे हम वल्नरेबल हो रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं खुद को। क्यों सामने वाला जो हमारी कमियों को जान रहा है मीठा मीठा बन के या दोस्त बन के, कल को हमें क्या पता कि सामने वाला ही हमारी कमियों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दे। रावण के साथ क्या हुआ था, विभीषण उसका भाई था, उसको पता था इसकी नाभि में अमृत है, जाके मरवा दिया तीर नाभि के अंदर। जो उसका बेटा मेघनाथ उस शक्ति की पूजा कर रहा था, बता दिया उसकी गुफा के बारे में कि यहाँ उसकी गुफा है। तो बेसिकली देखो, खतरा हमें बाहर वालों से नहीं है, खतरा हमें अपनों से है। अपने होते हैं ना जो अपने खास दोस्त होते हैं, यही सबसे बड़े शत्रु बनते हैं, क्योंकि इनको हमारी कमियों के बारे में पता होता है। तब मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने बारे में ज्यादा खुद को एक्सपोज करने की नीड नहीं है। बेशक सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन खुद को एक्सपोज करने का कोई सेंस नहीं बनता। अपनी बढ़िया साइड दिखाओ भाई, जिंदगी जो चल रही है ये एक प्रकार का गेम है, इस गेम में तुम खुद को जितना बढ़िया दिखाओगे ना उतना तुम्हारी वैल्यू रहेगी, उतना लोग तुम्हें पूजेंगे। जहां तुमने अपने में खत्म दिखाना शुरू कर दिया ना, वहीं से तुम खत्म होने स्टार्ट हो जाओगे। तुम्हारी अगर मानसिकता ये है ना कि अपने आप को मैं खत्म दिखाऊंगा तो सामने वाला मेरे को सिंपथी देगा, नहीं देगा भाई वो सिंपथी। अगर तुम कमजोर हो तो तुम शमशान घाट डिजर्व करते हो। क्या होता है मजदूरों के साथ में, मजदूरों को, रिक्शा वालों को, इनसे कौन बात करता है, कौन इनके साथ फोटो खिंचवाता है, कौन इनको सिंपथी देता है, बताओ मेरे को। 300 में 400 में कितनी मेहनत करते हैं मजदूर, सुबह निकलना कभी घर से, सुबह 6 बजे के आसपास रोटी खा रहे होते हैं, वो पूरा दिन धड़ी लगाते हैं गर्मी के अंदर, उनकी औरतें भी साथ में होती है, खुद भी होते हैं, कस्सी फावड़ा लेके पूरा दिन लगे रहते हैं। 300, 400, 500 क्या होते हैं, 300, 400, 500 शाम को अपना बढ़िया पौआ मार के और अपना गिरते पड़ते हुए घर में आ जाते हैं। अगले दिन फिर सेम रूटीन, सुबह उठते हैं 6-7 बजे,